हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। वेल दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि आप जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, ये बात तो कन्फर्म है भाई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में कैसे किसी का इलाज किया जाता था? अगर नहीं पता तो आज आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज आपको पता चल जाएगा कि कैसे आज से सैकड़ों साल पहले अजीब और गरीब तरीके से लोगों का इलाज किया जाता था। कुछ तरीके ऐसे थे जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नए दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों, ये बात सच है कि आज का जमाना बहुत ज्यादा बदल चुका है। आजकल सब कुछ बेहतर हो गया, लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले कुछ भी ठीक नहीं था। आज हम आपको एक एक करके कई सारी तस्वीरें दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद आपको समझ आएगा कि पुराने जमाने में इलाज कैसे किया जाता था। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कैसे पुराने जमाने में किसी बीमार आदमी को एम्बुलेंस में ले जाया जाता था। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये एक टमटम है जिसे घोड़ा गाड़ी कहा जाता है, लेकिन इसमें बीमारी आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम किया जाता था। देखिए कैसे बीमार आदमी लेटा हुआ एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन कहा जाता है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन इस गाड़ी को देखकर लगता है कि जब तक मरीज अस्पताल पहुंचते होंगे तब तक मामला खराब हो जाता होगा। दोस्तों, अब आप इस तस्वीर को देख लीजिए, यहाँ पर हाल और ज्यादा खराब है। ये सैकड़ों साल पुरानी पिक्चर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक मरीज का इलाज हो रहा है। जी हाँ, चेस्ट का एक्सरे किया जा रहा है, एक छोटा सा बॉक्स और उसमें मरीज को नंगा करके खड़ा कर दिया जाता है। इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि एक्सरे काम और इंसान का बीमार ज्यादा होता होगा। आपको बता दें, ये पिक्चर फ्रांस की है जो कि 19वीं सदी में ली गई है। इस एक्सरे के दौरान इंसान की उंगली टूट गई थी। दोस्तों, आप इस तस्वीर को देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक लड़की बिना कपड़ों में नजर आ रही होगी। क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई आज के जमाने में इस तरह से इलाज करवा सकता है? कभी नहीं। लेकिन आप देखिए कैसे इस लड़की को लटका दिया है, वो भी ऊपर के सारे कपड़े उतार। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर इस लड़की का इलाज किया जा रहा है क्योंकि उसके बैक में प्रॉब्लम है। जी हाँ, रीढ़ की हड्डी का इलाज यहाँ डॉक्टर साहब कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर लग रहा है मानो डॉक्टर इलाज कम कुछ और ज्यादा ड्रामा कर रहा है। कहा जाता है कई घंटों तक लड़की को ऐसे लटका कर रखा जाता था और उसके बाद जाकर लड़की ठीक होती थी। आज के जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता है ना। दोस्तों, अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। जी हाँ, यहाँ आप देखिए कैसे पुराने जमाने में जिनके पैर या हाथ नहीं होते थे उनका इलाज किया जाता था। ये देखिए कैसे लड़की के नकली पैर या हाथ बना दिए जाते थे। आप सोचिए कि इस तरह से जब नकली पैर या हाथ बनाए जाते थे तो वो भी लकड़ी के कितना वजन होता होगा। वाकई में बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं हम। अब पुराने जमाने में तो हालत और ज्यादा खराब थी, एक तो हाथ पैर काम नहीं करते थे, ऊपर से कई किलो का वजन आपको दे दिया जाता था संभालने के लिए। दोस्तों, अब इस तस्वीर को देखिए। जी हाँ, यहाँ पर कैसे एक डॉक्टर कई बच्चों का इलाज करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कहा जाता है यहाँ पर पुराने जमाने में विटामिन डी की कमी जिन बच्चों में होती थी उनका इलाज किया जाता था। देखिए कैसे बच्चों का इलाज हो रहा है। पहले तो सारे कपड़े उतार दिए जाते थे और उसके बाद बच्चों को एक लालटेन के सामने बैठा देते थे। इस तस्वीर को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ नहीं आई, और वो ये है कि आखिर इस तरह का इलाज करके बच्चों को ठीक कैसे किया जाता होगा भाई। विटामिन डी की कमी तो सूर्य देव के प्रकाश से ठीक होती है, ये लालटेन के सामने बच्चों को बिठाकर कैसे ठीक किया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। वेल दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। लेकिन आजकल आपने एक वर्ड खूब सुना होगा जिसे कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से कई साल पहले से प्लास्टिक सर्जरी का काम चल रहा है? यकीन नहीं है तो आप इस तस्वीर को देख लीजिए, क्या कमाल की चीज है। दोस्तों, कहते हैं जब पुराने जमाने में किसी को बहुत बुरी तरह से चोट लगती थी और उसका चेहरा खराब हो जाता था, तब इस तरह से उसका इलाज किया जाता था। आप देखिए कैसे चेहरे को साफ किया जाता है। ये देखिए कैसे चेहरे को बदलने के लिए नकली मास्क बनाया जा रहा है। इस मास्क को देखकर लगता है कि डॉक्टर्स की सोच तो अच्छी थी, लेकिन वाकई में फिनिशिंग टच बड़ा कमाल का था, है ना? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आके बताएं। दोस्तों, अब आप इस इमेज को देख लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर कैसे एक छोटी सी बच्ची को साइकिल से बांध कर रखा गया है। ओहो, क्या आप कभी सोच भी सकते हैं कि इलाज का एक तरीका है? दोस्तों, कहते हैं कि पुराने जमाने में बच्चों को जब बैक की कोई दिक्कत होती थी ना तो इसी तरह से इलाज किया जाता था। ये है रियल सच्चाई। आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि अब हम कितने एडवांस हो गए, हमने क्या नहीं हासिल कर लिया। इस तस्वीर को आप और से देखिए और आपको समझ में आएगा कि छोटी से छोटी लड़की जिसके साइकिल को बांध दिया गया है वो कैसे अपना इलाज कराती होगी। ये देखिए कैसे ये बच्ची दर्द में है। लेकिन माना जाता है कि यही तरीका था पुराने जमाने में बच्चों का इलाज करने का। जब भी किसी को बैक में दिक्कत आती थी कई घंटों तक छोटे बच्चों को ऐसे खड़ा रखा जाता था। यही है सच्चाई जिसे देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि कैसे पहले के जमाने में काम होता था। इस तरह की तस्वीरों को देखकर तो भैया डर भी लगता है। दोस्तों, हमारी टीम बहुत रिसर्च करती है आपके लिए ऐसे रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में, तो प्लीज अपना प्यार हमें जरूर दें। दोस्तों, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस देखने के बाद आपके होश उड़ेंगे। जी हाँ, इस तस्वीर को देखें कैसे कुछ लोग एक बॉक्स के अंदर हैं।
क्या आपने कभी सोचा था कि इलाज कराने का ये तरीका हो सकता है? देखिए कैसे यहाँ पर कई सारे बॉक्सेस हैं और उन बॉक्सेस में एक एक करके कई सारे लोग बंद हैं। जानते हैं किस तरह का इलाज चल रहा है? बता देता हूँ दोस्तों, कहा जाता है डॉक्टर मार्टिन यहाँ पर लोगों को मसाज देने का काम कर रहे हैं। आपको देखकर हंसी भी आएगी लेकिन यही सच्चाई है। ये देखिए कैसे मार्टिन नामक डॉक्टर ने कई सारे इंसान को बॉक्स में बंद कर दिया, उसके बाद उन्हें इलाज दे रहा है। भाई इस तरह की कमाल की ट्रीटमेंट को देखकर आप कुछ देख भी नहीं सकते। और तभी तो कहा जाता है कि आज से सैकड़ों साल पहले डॉक्टर्स के इलाज के नाम पर सिर्फ मजाक होता था। वाकई में इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि जमाना बहुत बदल गया और बदलना जरूरी भी था। दोस्तों आप इस तस्वीर को और से देखिए, शुक्र बनाइए कि आप उस जमाने में नहीं थे। जी हाँ, यहाँ जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें एक डॉक्टर अपने मरीज का इलाज उसे करंट मार कर रहा है। देखिए कैसे मरीज का इलाज किया जा रहा है। कहते हैं करंट मार का इलाज करना पुराने जमाने में बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि इससे होता यह था कि मरीज शांत हो जाता था, वो अपने होश में नहीं होता था। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर मरीज होश में नहीं होता था तो फिर इलाज कैसे डॉक्टर्स करते थे? जवाब यह है कि डॉक्टर्स यही चाहते थे कि जब भी वो इलाज करे अपने हिसाब से करे। दोस्तों कहते हैं पुराने जमाने में कुछ भी किया जा सकता था और उसे इलाज का नाम दे देते थे। हालांकि आज भी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ये सब होता रहता है। जी हाँ, यहाँ पर महिलाओं के साथ इलाज के नाम पर रात भर रंग रंगलिया भी मना ली जाती हैं। कई बार तो उनके साथ डॉक्टर हम बिस्तर हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं नया तरीका, हद है यार। दोस्तों अब आप इस तस्वीर को देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है। कहा जाता है ये तस्वीर सबसे अलग है। आपको लग रहा होगा ये तस्वीर है हॉस्पिटल की है, यहाँ पर सब मर गए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए गौर से, एक कंबल में कैसे बीमार इंसान लिप्ट है। कहते हैं कि इस तरह की चीज पहले देखने के लिए इसलिए मिल जाती थी क्योंकि कुछ सुविधा नहीं थी। दोस्तों इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे मरीज कंबल में लिपटे हुए हैं और सर पर कपड़ा है। कहने का मतलब यह है कि मरीजों का यहाँ पर इलाज किया जा रहा है जो कि बुखार से परेशान है। ये देखिए कैसे एक लाइन से सब के सब आराम से लेटे हुए हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट सेक्शन में आके बताएं। दोस्तों अब अंत में हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप कहेंगे भैया ये बड़े अलग किस्म की चीज है। इस पिक्चर को देखिए। जी हाँ, आपको भी लग रहा होगा कि यहाँ पर तो चिड़िया की शक्ल दिख रही है, लेकिन आपको बता दें आज से सैकड़ों साल पहले इस तरह की मास्क डॉक्टर्स प्लेग जैसी घातक बीमारी का इलाज करने में इस्तेमाल करते थे। कहते हैं जब भी किसी कीटाणु का हमला होता था तो डॉक्टर्स इस तरह का मास्क अपने चेहरे पर लगा लेते थे ताकि किसी की बीमारी उनके शरीर में ना आए। आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक किस्सा है। अजीब सा मास्क है ना। दोस्तों अब इस तस्वीर को भी आप देख लीजिए। बता दें कि इस तरह का इलाज आज भी पाकिस्तान के डॉक्टर्स करते हैं जहाँ पर कई सारी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है इलाज के नाम पर। ये देखिए कैसे, अरे यार लड़की के स्कर्ट में हाथ डाल रहा है। बताइए भैया ये कौन सा इलाज करने का तरीका है? क्या ऐसे इलाज होता है जो सैकड़ों साल पहले बाहर के डॉक्टर्स करते थे? वही काम अभी भी कई जगहों पर चल रहा है इलाज के नाम पर। खैर इसको देखकर तो क्या ही कहूँ, सब कुछ बिक चुका है चीन के हाथों, है ना। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा अजीब लगा अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ देखने के लिए शुक्रिया।